नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन के बारे में। और इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको एक क्रिस्पथलिन कॉम्प्लेक्सोन कलोरोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। और ये जो सीरम कैल्शियम का एस्टिमेशन है, बायोकेमिस्ट्री में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। और इस जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो कैल्शियम है, इसका बॉडी में कई फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं उनमें कैल्शियम का बहुत ही क्रूशल रोल होता है या इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे ब्लड कोएगुलेशन हो गया, न्यूरोमस्कुलर जो कंडक्शन है, या जो मसल टोन है जो स्टेटेड या स्मूथ मसल्स की, इसके अलावा जो आपकी बोन्स वगैरह हैं उनको में मिनरलाइजेशन का जो काम है वो कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। उससे हार्डनिंग जो बोन्स को मिलती है, और इसके अलावा हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम का। तो जो इसलिए कैल्शियम का असेसमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। इसके अलावा हम कई जो कंडीशंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए भी कैल्शियम का एस्टिमेशन करवाते हैं। जैसे मायलोमा हो गया, रीनल फेलियर हो गया, एसिड बेस बैलेंस है या सिरोसिस है, इन सभी कंडीशंस में जो कैल्शियम का लेवल है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। और जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड रहता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट तीन हार्मोन्स जो काम करते हैं उसमें पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन और इसके अलावा विटामिन डी, ये तीनों मिलके कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हो 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसको ये मेंटेन करते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इसमें जो कैल्शियम आयन होते हैं वो रिएक्ट होते हैं ओ क्रिस्पथलिन कॉम्प्लेक्सोन से अंडर अल्कलाइन कंडीशन, मतलब अल्कलाइन मीडियम में इनका रिएक्शन होता है और एक वायलेट कलर का जो कंपाउंड है वो बनता है। और इस कंपाउंड की जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैल्शियम के कंसंट्रेशन से। और इसको मेजर करने के लिए बेसिकली हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कर सकते हैं 578 नैनोमीटर पे। तो ये इसका प्रिंसिपल था। अगर हम इसके रिएजेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें एक स्टैंडर्ड का यूज़ होता है जो 10 मिलीग्राम का रहता है। उसके अलावा रिएजेंट वन या R1, ये एक तरह का बफर है और ये बेसिकली एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है इसको सॉल्यूशन को। तो 2-अमाइनो 2-मिथाइल 1 प्रोपेनॉल और इसकी pH 10.5 होती है। इसके अलावा दूसरा जो रिएजेंट है जो क्रोमोजन की तरह काम करता है, यानी कलर्ड सॉल्यूशन, तो इसमें ओ क्रिस्पथलिन कॉम्प्लेक्सोन है और 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलोन है, क्यों 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलोन। तो ये दोनों मिलके रिएजेंट R2 बनाते हैं। तो इस तरह से ये रिएजेंट के बारे में था। और हम स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कलेक्शन। अगर कैल्शियम एस्टिमेशन करना है तो उसका कलेक्शन एक अलग टाइप के जो एंटीकोगुलेंट है उसमें किया जाता है, जिसको हेपेरिन कहते हैं। और इसके अलावा और किसी एंटीकोगुलेंट में हम किसी भी एंटीकोगुलेंट में हम इसके ब्लड को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो कैल्शियम चिलेटिंग होते हैं और उसकी वजह से वो जो ब्लड में कैल्शियम है वो चिलेट हो जाता है और उसमें काफ़ी फॉल्स रीडिंग आ सकती है या बहुत ही कम कैल्शियम आ सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है इसमें कि जब भी सैंपल कलेक्ट करना है तो हेपेरिन के जो बायल आते हैं, प्रिपेयर्ड बायल रहते हैं, उसी में कलेक्ट करना है। इसके अलावा दूसरा ये है कि इसमें जो फ्रेश सैंपल है फास्टिंग स्टेट में उन सैंपल्स को प्रेफर किया जाता है। अगर फास्टिंग सैंपल रहता है तो उसमें जो कैल्शियम का असेसमेंट है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। इसके अलावा जो सीरम और प्लाज्मा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको सेंट्रीफ्यूज करके उनको सेपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे सेंट्रीफ्यूजन में या सेपरेशन में उतना कैल्शियम का लेवल कम होता जाएगा। और चौथा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं सीरम का वो नॉन हीमोलाइज्ड हो या अनहीमोलाइज्ड होना चाहिए सीरम। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात बारे में बात करें तो इन तीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में ब्लैंक, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा टेस्ट। तो ब्लैंक में एक्चुअली 0.5 ml रिएजेंट वन और रिएजेंट टू को लेते हैं। तो दोनों को 0.5 0.5 0.5 ml लेते हैं, रिएजेंट वन और टू को।
और इसमें डिस्टिल वाटर 10 माइक्रोलीटर ऐड किया जाता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड होता है इसमें भी हम 0.5 ml रिएजेंट 1 और 0.5 ml रिएजेंट 2 को लेते हैं और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड इसमें ऐड किया जाता है। जो 10 मिलीग्राम का स्टैंडर्ड हम लोगों ने कैल्शियम का बनाया था उसको इसमें ऐड करते हैं, तो 10 माइक्रोलीटर इसमें ऐड किया जाता है। और जो टेस्ट होता है टेस्ट में 0.5 ml रिएजेंट 1 लेंगे और 0.5 ml रिएजेंट 2 लेंगे। इसके अलावा 10 माइक्रोलीटर जो जिस सैंपल का हमको टेस्ट लगाना है या सीरम जिस पेशेंट का हमने लिया है उसको इसमें ऐड किया जाता है 10 माइक्रोलीटर। तो इस तरह से इन तीनों टेस्ट ट्यूब को इनक्यूबेट किया जाता है 5 मिनट के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री के सेंटीग्रेड पर, और इनको मिक्स करके इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकाली जाती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने के बाद इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका जो इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमको सीरम कैल्शियम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मिल जाएगा। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं तो जो इसकी नॉर्मल रेंज है ये थोड़ा फ्लैक्चुएट करती है एज के हिसाब से। तो अडल्ट्स जो होते हैं 20 से 50 ईयर्स के बीच में इसमें 8.8 से लेकर 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है। मोर देन 50 ईयर्स में 8.4 से लेकर 9.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और चिल्ड्रंस 4 to 18 ईयर्स में 9.2 से लेकर 11.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और मोर देन 4 वीक्स में 7.2 से लेके 11.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो एक ये कैलोरीमेट्रिक मेथड था जिससे कि हम सीरम कैल्शियम का असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई मेथड हैं, फ्लेम फोटोमेट्री है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग से मेथड होते हैं, तो वो भी मेथड यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा मेथड है कैलोरीमेट्रिक वाला, इसको हम लैब में यूज़ कर सकते हैं। इसको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।